व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेम बेक्स रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड डिजर्ट। उसके लिए हम सबसे पहले कस्टर्ड तैयार करेंगे। कस्टर्ड तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है आधा लीटर दूध, 4 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आधा लीटर दूध में से आधा कप के जितना दूध निकाल लेंगे। और इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पैन में दूध डालेंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल आने तक पकाएंगे। दूध में बॉयल आ गया है। अब चीनी शामिल करेंगे। चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसमें जो हमने दूध में कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था वो शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, चम्मच चलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। अब इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया है। अब हम इसका डिज़र्ट बनाते हैं। डिज़र्ट बनाने के लिए हमें जो मज़ीद चीज़ें चाहिए वो है फ्रूट कॉकटेल और फ्रूट केक चाहिए, जिसका हमने हाथों की मदद से चूरा बना लिया है। तो चलिए अब हम डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर्स, तैयार है हमारा कस्टर्ड डिज़र्ट। बहुत ही अच्छा बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। दुआओं में रखिएगा याद। फ़ी मानिल्लाह।